वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ITI स्टडी मटेरियल। तो स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे। तो आज हम लोग इस अगस्त में होने वाले CBT एग्ज़ाम के लिए इंजीनियरिंग ड्राइंग के कुछ MCQ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, जो कि आपके इस अगस्त के CBT एग्ज़ाम में इंजीनियरिंग ड्राइंग से 6 क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो आज मैं टोटल 20 क्वेश्चंस को डिस्कस करूँगा, जिसमें से आपका 6 क्वेश्चन 100% इस 20 क्वेश्चन से आपका 6 क्वेश्चन आएगा ही आएगा, जो कि 12 नंबर का क्वेश्चंस होगा। तो इस वीडियो को पूरे लास्ट तक देखें, बहुत ही हेल्पफुल वीडियो होने वाली है। अगर ये वीडियो को आप पूरे लास्ट तक देखते हैं तो आपका 12 नंबर जो है 100% आपका CBT एग्जाम में इंजीनियरिंग ड्राइंग से आ जाएगा। तो अगर हमारे चैनल पर नया है तो चैनल को कर दे सब्सक्राइब। वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें। तो शुरू करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द लार्जेस्ट साइज ऑफ ड्राइंग शीट, मतलब ड्राइंग शीट होती है जो ड्राइंग का पेज होता है उसका लार्जेस्ट साइज क्या होता है, मतलब सबसे बड़ा साइज ड्राइंग शीट का, सबसे बड़ा साइज A0 होता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन A0। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फिगर इज हेक्सागोन, हेक्सागोन मतलब षष्ठभुज का फिगर कौन सा है। तो इस ऑप्शन में चारों में से षष्ठभुज का फिगर कौन सा है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, ये है षष्ठभुज। तो देखिए ये इंजीनियरिंग ड्राइंग का क्वेश्चन है, तो इसमें आपको वही ड्राइंग का चित्र होगा, उसमें आपको नाम दे दिया जाएगा और आपको इस चित्र का नेम बताना है। तो मैं डिस्कस कर दे रहा हूँ, आप लोग ध्यान से चित्र को देख के नाम को याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज रोलर ब्रश, रोलर ब्रश कौन सा है। तो रोलर ब्रश ये ऑप्शन बी में आप लोग देख रहे होंगे, ये रोलर ब्रश है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, रोलर ब्रश। हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, विच इज द सिंबल ऑफ फिलेट वेल्डेड जॉइंट, तो जो फिलेट वेल्डेड जॉइंट होता है उसका सिंबल क्या है। तो ऑप्शन बी में देख रहे होंगे, ये जो ट्रायंगल टाइप है इसी को फिलेट वेल्डेड जॉइंट कहते हैं। हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ पाइप फिटिंग, तो ये क्वेश्चन में जो पाइप फिटिंग है इसका नाम क्या है। तो इस पाइप फिटिंग को प्लग कहते हैं, इस पाइप फिटिंग का नाम प्लग है। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, प्लग। सिक्स्थ क्वेश्चन है हमारा, विच व्यू इज ऑब्टेंड ऑन द वर्टिकल प्लेन, कौन सा व्यू हमें मिलता है वर्टिकल प्लेन पे। तो वर्टिकल प्लेन से हमें फ्रंट व्यू दिखता है, तो इसका आंसर होगा ए, फ्रंट व्यू। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, नेम द पार्ट मार्केड एक्स, इस चित्र में जो एक्स भाग है उसका नाम क्या है। तो इस एक्स भाग को वेज कहते हैं, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज एल्बो, एल्बो कौन सा है, ये जो चित्र में है इसमें से एल्बो कौन सा है। तो ये जो ऑप्शन बी में जो चित्र बना हुआ इसे एल्बो कहते हैं, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, ये एल्बो है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द सिंबल, जो ये चित्र में सिंबल देख रहे हैं B1 B2 और ये G है, ये कौन सा सिंबल, तो इसे UJT सिंबल कहते हैं, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, UGT। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्केड एक्स, ये जो चित्र में एक्स भाग है उसका नाम क्या है। तो इस एक्स भाग को थ्रेड कहते हैं, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, थ्रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द सिंबल, इस सिंबल को आइडेंटिफाई करना, तो इस सिंबल जो चित्र में ये सिंबल है इसे ओम मीटर कहते हैं, इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, ओम मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज NPN ट्रांजैक्शन, NPN ट्रांजैक्शन कौन सी है। तो NPN ट्रांजैक्शन ऑप्शन ए है, जिसमें कि चित्र आप लोग देख रहे होंगे, ऊपर में सी है, बीच में बी है, नीचे में जो तीर की तरफ ई है, इसे NPN ट्रांजैक्शन कहते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज USB मेल कनेक्टर, इसमें से USB मेल कनेक्टर कौन है। तो USB मेल कनेक्टर को आप लोग पहचानते ही होंगे, जो आप लोग जो चार्जर का यूज करते हैं उसमें इडक्टर में USB का मेल कनेक्टर लगता है, तो ये ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा, तो ये है USB मेल कनेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द सॉकेट स्पेनर टाइप, जो ये चित्र में सॉकेट दिया हुआ है, सॉकेट स्पेनर, ये कौन सा टाइप का। तो ये 12-point डीप टाइप सॉकेट स्पेनर है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, 12-point डीप।
नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द सिंगल प्लेस एसी मोटर सैम्बल? तो जो सिंगल प्लेस एसी मोटर का सैम्बल होता है वो कौन सी है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, जो ये एम हुआ है ऑप्शन सी में, ये इसका राइट आंसर है। इसे ही सिंगल फेस एसी मोटर सैम्बल कहते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द टूल। तो ये चित्र में जो टूल है उसका नाम क्या है, आइडेंटिफाई करना है हमें। तो इसका नाम स्क्रेपर नाइफ है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, स्क्रेपर नाइफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मटेरियल फॉर द गिवन ग्रेड ऑफ ए फास्टनर? तो इस दिए गए ग्रेड ए में कौन सा पदार्थ बांधने वाली है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, कार्बन स्टील। जो कार्बन स्टील है वो इसे बांधने वाले पदार्थ है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, कार्बन स्टील। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द सिंबल ऑफ वेरिएबल रेजिस्टर? तो वेरिएबल रेजिस्टर का सिंबल कौन सा है? तो ये ऑप्शन बी में आप लोग देख रहेंगे, इसे वेरिएबल रेजिस्टर सिंबल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्नैप हेडेड रिवेट? कौन सा रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्नैप हेडेड रिवेट है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, ये जो चित्र में देख रहे होंगे ऑप्शन ए है, जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्नैप हेडेड रिवेट है। और हमारा नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ कोस्ट लाइन। ये जो चित्र में कोस्ट लाइन देख रहे हैं ये किस टाइप का कोस्ट लाइन है? तो ये स्टीप कोस्ट लाइन है। तो इसे स्टीप कोस्ट टाइप के लाइन है। तो इसका आंसर का ऑप्शन है स्टीप कोस्ट लाइन। तो ये थे कुछ इंजीनियरिंग ड्राइंग के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो कि 100% आपके एग्जाम में इससे 6 क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे। तो आपका 12 नंबर है वो 100% आपका एग्जाम में इंजीनियरिंग को ड्राइंग से आप बना लीजिएगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक करें, और ITR से रिलेटेड किसी भी अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।